हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और भी बहुत कुछ। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं, अर्थात ये एक ऐसी करेंसी या संपत्ति है जिसे व्यक्ति छू नहीं सकता। इसकी उत्पत्ति के लिए क्रिप्टोग्राफी, जो कि कंप्यूटर एवं इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी हुई एक तकनीक का उपयोग होता है। इस करेंसी का उपयोग भी अन्य मुद्राओं की तरह ही विभिन्न तरह का सामान एवं सेवाएं खरीदने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अभी इस तरह की ये करेंसी सभी देशों में वैध नहीं है। इसलिए जिन देशों में ये वैध नहीं है वहाँ इसका उपयोग वर्जित है, लेकिन फिर भी वर्तमान में बहुत सारे देशों में ये वैध मुद्रा की तरह ही क्रियाशील है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। तो चलिए आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ विशेष बातें। ये कोई प्रिंट की गई करेंसी नहीं होती है, इसे क्रिप्टोग्राफी नामक तकनीक से जारी किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी इसी पर आधारित है। ये बेहद जटिल एल्गोरिदम के माध्यम से माइन किया जाता है। इनके डुप्लीकेट या जाली तैयार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की करेंसी को माइनिंग एवं ऑनलाइन एक्सचेंज के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन को गोपनीय रखा जाता है, किसी तीसरे पक्ष को इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। तो चलिए आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के फायदे यानी एडवांटेज। जैसा कि अब तक हम जान चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल होती है, इसलिए इसकी जालसाजी करना संभव नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए साधारणतः इसका ऊपर कोई लेन देन शुल्क नहीं दिया जाता है, क्योंकि माइन करने वालों को नेटवर्क द्वारा मुआवजा दिया जाता है। क्रिप्टो करेंसी पर लेन देन होने पर किसी तीसरे पक्ष को इसकी कोई भनक नहीं होती है कि वो व्यक्ति कौन है, अर्थात पहचान की चोरी का खतरा इस प्रणाली में बिल्कुल नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी पर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी की डिसएडवांटेज। सबसे पहली डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसे हर जगह स्वीकार नहीं किया जाता, अर्थात यदि आप कहीं पर एक कप चाय या कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो इस करेंसी को भाव पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी डिसएडवांटेज क्रिप्टो करेंसी की यह है कि लोगों को इसे समझने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, अर्थात इस तरह की करेंसी को समझने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई मांग के मुताबिक नहीं बल्कि एक निर्धारित अर्थात सीमित मात्रा में ही होती है। इस करेंसी की उच्च अस्थिरता निवेशकों को डराती है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।